नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल के नेतृत्व में सभी 311 सेक्टरों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने सिविल लाइन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाया। जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल मणिया सेक्टर में सेक्टर संयोजक विनीत सिंह गौतम के आवास पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे। जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल और लालगंज जिला अध्यक्ष सुयश श्रीवास्तव पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एकात्म मानववाद दर्शन से प्रेरणा लेते हुए गरीब कल्याण का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार गरीबों के उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। हम भाजपा के लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश राय, माला द्विवेदी, ब्रजेश यादव, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, पंकज कौशिक, विनय कुमार गुप्ता, रविशंकर तिवारी, पवन देव त्रिपाठी, विवेक निषाद, धर्मेंद्र सिंह, किशन सिंह, अभिनव श्रीवास्तव, अवनीश चतुर्वेदी, सौरभ सिंह, मृगांक शेखर सिन्हा, विवेक सिंह, सोनू, राजीव सिंह, पप्पू, शैलेंद्र अग्रवाल, अखिलेश चौधरी, बब्बल मदेसिया, राहुल सिंह, मनीष सिंह, बबलू सिंह पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज लाइन भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एकांत मानववाद के प्रवक्ता और दबे कुचले गरीब शोषित वंचित लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की एक सोच कायम करने वाले, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक नया दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज केवल सत्ता में ही नहीं है बल्कि गरीबों के कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए अनवरत लगातार काम कर रही है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हैं। उनको सर, जिले में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है? आज पूरे जनपद के 311 शक्ति केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे, करेंगे और उनके बारे में, उनके जीवन मूल्यों के बारे में एक दूसरे को बताने का। भारत यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।